हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टोफाई। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने कोइन की जानिब। सबसे पहले हमारा जो कोइन है उसका नाम है द जिना स्पेस कैट। सबसे पहले इसका ये लोगो आ जाता है, लोगो में ये देख सकते हैं कि फेयर लॉन्च ऑन प्री सेल आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने नाम दिया हुआ है कि इसका क्या नाम है। असल में इसका नाम है जिना द स्पेस कैट। जिना द स्पेस कैट इसका नाम है। यहाँ से इनका जो सैम्पल दिया है उन्होंने जिना दिया हुआ है। उसके बाद इनका जो एड्रेस आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ जाता है, वो यहाँ से आपने ये क्लिक करके कॉपी कर लेना है। यहाँ से आपने क्लिक करके इनका कॉन्ट्रैक्ट जो एड्रेस है वो देख लेना है। फिर उसके बाद अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई इनकी 1 बिलियन है। मैक्सिमम जो इनकी सप्लाई है वो भी 1 बिलियन ही है। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे इनके लोगो देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम इन द गलेक्सी फार। गलेक्सी फार में एक दफ़ा का जिक्र है कि जो गलेक्सी फार था वहाँ पे एक ये थी, कैट कैट रहती थी जो कि एक फेलाइन थी। उसके बाद यहाँ से शी हेल्ड फ्रॉम दी मिस्टोरियस प्लेनेट, वो जुपिटर के ऊपर वगैरह के ऊपर चली गई और वहाँ से इन्होंने बहुत कुछ देखा। तो ये कलरफुल ऑफ दी कोसम्स वगैरह यहाँ पे वो पहुँच गए थे। फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो ऑलवेज वन स्टेप अहेड हर एडवर्टाइज एंड शी रूम द कोसम्स। उसके बाद अगर हम यहाँ से दो सेकंड के ऊपर बात कर ली जाए तो सेकंड के ऊपर आप देख सकते हैं कि वन डे एक दिन जिना सैम्पल अपॉन द स्ट्रेंज आर्टिफिशियल ऑन आर एंड डिस्टर्ब मून। वो एक आर्टिफिशियल डिस्टर्ब मून के ऊपर पहुंच गई। इट वाज अ पीस ऑफ एसेंस क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का एक वो टुकड़ा था। उसके बाद वो यहाँ से पहुंची तो फेंट ग्लो आया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिना एक्टिवेटेड द डिवाइस एंड वाज सडनली, अचानक वो उसने एक डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया जो कि अचानक सराउंड बाई आ सर्वाइविंग वोरेक्स ऑफ एनर्जी। अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एक प्लेनेट के ऊपर बैठी है। तो यहाँ पे एज अ जीना गोज अमोंग द हार्ट्स, उसने अपने हार्ट्स वगैरह को देख लिया। उसके बाद क्या कहते हैं कि शी फेल्ट अ सेंस ऑफ द पीस एंड वंडर्स वाज ओवर हर। उसके बाद अगर हम नीचे बात कर ली जाए तो नीचे आप देख सकते हैं कि 4 डेज उसने कुछ दिनों में फिर क्या किया उसने कि जीना वंडर्ड थ्रू द रील ऑफ रियल ऑफ द हार्ट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्वलिंग एट द ब्यूटी एंड कम्प्लेक्सी ऑफ द इमोशंस वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अगर नीचे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसेंडेड है यहाँ पे लैंग्वेजेस एंड स्पेशियस यूनाइटेड बाय द यूनिवर्सल लैंग्वेजेस ऑफ द हार्ट्स। फिर उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीना द स्पेस कैट कंटिन्यू हर जर्नी। उसने अपनी जर्नी को जारी रखा। जारी रखने के बाद उसने थ्रू द कॉसम्स एंड कैरी क्राइंग विद हर द मेमोरी ऑफ द रॉल्म ऑफ हार्ट्स। उसने अपने सफ़र को जारी रखा, उसने अपने सफ़र को नहीं छोड़ा। तो वो अभी तक जारी है जो कि एक दूसरे प्लेनेट के तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देखा जा सकता है कि टोकनॉमिक्स सी ए टोकनॉमिक्स यहाँ पे जो आ जाता है वो वहाँ से हम देख सकते हैं कि इनकी 50% जो सेल है वो प्री सेल्स है। जो इनके तमाम टोकन्स वगैरह हैं उसकी प्री सेल है जो 50% है। उसके बाद अगर हम इनकी लिक्विडिटी की बात कर ली जाए तो 24.22% इनकी लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी एयर ड्रॉप्स और मार्केटिंग के बारे में बात कर ली जाए तो इनके आप देख सकते हैं कि 10% जो इनके एयर ड्रॉप्स हैं वो भी इनके आज टोकनॉमिक्स वगैरह में आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम सी एक्स की बात कर ली जाए, ये भी इनका 10% है और टीम वगैरह के लिए इन्होंने जो रखा हुआ है फंड वो भी 5.77% और टीम के लिए रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात कर ली जाए तो इनके टोकन इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0% टैक्स है इनका। पिंक सेल ऑटो लॉन्च होने वाली है। फिर उसके बाद 100% लिक्विडिटी बर्निड है। उसके बाद रिवोक्ड मिंट है एंड फ्रीज अथॉरिटी है। उसके बाद अगर हम बात कर ली जाए इनकी पिंक सेल की, पिंक सेल को भी यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं।
पिंक सेल के ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो मज़ीद इसकी अपडेट वगैरह को बताते रहते हैं किस तरह ये कर रहे हैं और किस तरह यहाँ इसने इन्होंने किन कितने कितने इनकी लॉन्च है और टोकन ऑफ लिक्विडिटी कितनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो नेम है इसका वो यहाँ से जीना द स्पेस कैट है, फिर उसके बाद सैम्बल इनका जीना है, जो डेसिमल्स है वो 9 है। टोटल सप्लाई आप इनकी यहाँ से देख सकते हैं, उसके बाद 1 बिलियन इनकी टोटल सप्लाई आ जाती है। फिर उसके बाद जो इनका एड्रेस है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, टोकन फॉर प्री सेल, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इनकी जो प्री सेल्स के लिए है वो यहाँ से ये इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी आप इनकी प्री सेल्स में देख सकते हैं। जो टोकन फॉर लिक्विडिटी है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो सॉफ्ट कैप के 200 सोलाना का सॉफ्ट कैप है इनका। स्टार्ट टाइम आप यहां से आप देख सकते हैं कि इनका स्टार्ट टाइम है। जो इनकी अगर बात कर ली जाए कि लिक्विडिटी परसेंटेज की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 51% इनकी लिक्विडिटी परसेंटेज है। यहां से आप मज़ीद इनके बारे में जान सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ली जाए इनके फेज़ वन की, फेज़ वन आप देख सकते हैं कि इनका फेज़ वन जो है वो यहाँ पे वेबसाइट ऐड लॉन्च करनी है इन्होंने, डिप्लॉय टोकन करना है, पिंक सेल फ्री लॉन्च करनी है, जो कि उसके बाद लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट करना है, लिस्टिंग इंडेक्स करना है, उसके बाद ट्विटर वगैरह यहाँ पे इन्होंने करने हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप भी इन्होंने हायर करनी है। और फेज़ टू में इन्होंने क्वीन मार्केट कैप करना है, उसके बाद ये मज़ीद अप्लाई इन्होंने करते रहना है कि टॉप 10 CEX लिस्टिंग वगैरह आ जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है, उसके बाद ये इन्होंने मार्केटिंग वगैरह फेज़ टू में करनी है। इसी तरह फेज़ थ्री आ जाता है कि इन्होंने 50,000 होल्डर्स रखने हैं इन्होंने फेज़ थ्री में, फेज़ थ्री तक। फिर उसके बाद टॉप 3 CEX लिस्टिंग रखनी है, टीम पेंशन रखना है, कम्युनिटी वोट्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने फेज़ थ्री में रखने हैं। फिर उसके बाद अगर हम नीचे बात कर ली जाए मीट द टीम, इनकी जो टीम है किस किस ने इसको बनाया है, वो जो फाउंडर हैं इसके वो जेना है, जो प्रेजेंट है इनके प्रेजिडेंट वो इनके जेट हैं, और उसके बाद सीई हैं वो जो इनके हैं वो सेमी हैं। अगर हम नीचे बात कर ली जाए इनके होम प्लेनेट की, आप देख सकते हैं कि इनका होम प्लेनेट जो है जेना का है वो जुपिटर, और जेट का GJ1002 है, उसके बाद जो सेमी है उनका ये है कि लेटन है बी। उसके बाद अगर हम इनके ऑडिट बाय क्वीन सॉल्ट के बाद में मैं बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जुपिटर रेडियम और बर्ड आई वगैरह इनके रेडियम ऑफ ऑडिट बाय कंसल्ट हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ली जाए इनके अकाउंट्स के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका टेलीग्राम अकाउंट आ जाता है, यहाँ पे इनका ट्विटर अकाउंट आ जाता है। तो सबसे पहले हम इनके टेलीग्राम अकाउंट पे आ जाते हैं। टेलीग्राम अकाउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 85 इनके सब्सक्राइबर वगैरह भी हो गए हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे आप मज़ीद अपडेट के बारे में आप आगाह रह जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ली जाए इनके ट्विटर अकाउंट की, ट्विटर अकाउंट का आप देख सकते हैं कि ब्लू ट्रिक आया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कम्प्लीटली ये वेरीफाइड है। और सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने देख लेना है कि इनके फॉलोअर्स 726 इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये 18 घंटे पहले अभी इन्होंने अपडेट डाली है पिंक सेल की। इसी तरह ये मज़ीद अपडेट वगैरह यहाँ पे डालते रहते हैं, 8 घंटे पहले इन्होंने अपडेट डाली है, और इसी तरह आप ये मज़ीद अपडेट के बारे में यहाँ से ये बताते रहते हैं कि किस किस जगह पे ये क्या करने वाले हैं। सब क्या करना है आपने कि यहाँ से आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ताकि इनकी अपडेट सबसे पहले आपको भी मिल सकें। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मज़ीद इसी तरह के टोकन और क्यून्स वगैरह के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट